हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या है, कैसे इसको पता करते हैं, कितने तरह की होती है, क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे क्लिनिकल सिम्टम्स द्वारा पता करते हैं, और क्या 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 इसका मैनेजमेंट है, और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो ओबेसिटी को ठीक करती है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी फैट। WHO के अनुसार ओबेसिटी को अपन BMI से मेजर करते हैं। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। अगर BMI लेस देन 18.5 है तो उस पर्सन को अपन अंडरवेट कहेंगे, और BMI 18.5 टू 25 है तो वो नॉर्मल वेट होगा। देन 25 से 30 है तो ओवरवेट होगा, और मोर देन 30 BMI है तो वो ओबीज पर्सन में कहलाएगा। ओबीज पर्सन थ्री टाइप्स का होता है। ओबीज टाइप फर्स्ट, जब BMI 30 से 40 हो। ओबीज टाइप सेकंड, जब BMI 40 टू 50 हो। ओबीज टाइप थर्ड, जब BMI मोर देन 50 हो, उस कंडीशन को अपन ओबीज टाइप थर्ड ओबेसिटी कहते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी टू टाइप्स की होती है, सेंट्रल ओबेसिटी और जनरलाइज ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स जब फैट डिपोजिशन ट्रंक और अब्डोमन पार्ट पे हो तो होगी सेंट्रल ओबेसिटी, और जब फैट डिपोजिशन होल और बॉडी हो तो उसको बोलेंगे जनरलाइज ओबेसिटी। अब अपन डिस्कस करते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो ओबेसिटी डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड फैक्टर है फूड, मीन्स स्पाइसी फूड, फैटी फूड जो है ये ओबेसिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो भी ओबेसिटी डेवलप करता है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म, कसिंग सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक डैमेज। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी ओबेसिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो ओबेसिटी डेवलप करते हैं। फीमेल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और मीनोपोज भी ओबेसिटी डेवलप करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं ओबेसिटी के। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं मेनली जो हैं वो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो सकती है, गॉल स्टोन हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो 20% में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर पल्मोनरी डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकता है। इसके अलावा मेल में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, इम्पोटेंसी हो सकती है। फीमेल में PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, मीन्स मीनोपोजिया और मेट्रोरिजिया हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया भी डेवलप हो सकता है ओबेसिटी की वजह से। अब अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो ओबेसिटी की वजह से डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स है प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट, मीन्स बॉडी का वेट जो लगातार बढ़ता चला जाएगा। सेकंड, यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट डेवलप है यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा कसिंग सिंड्रोम जो है उसमें सेंट्रल ओबेसिटी होगी। इसके अलावा स्लोइंग डाउन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। जनरल लेक ऑफ एनर्जी फॉर फिजिकल एग्जर्शन, फिजिकल एग्जर्शन एनर्जी कम होती चली जाती है। रिड्यूस्ड जनरल एक्टिविटीज़, बॉडी की एक्टिविटीज़ कम होती चली जाती हैं। डिस्निया ऑन स्लाइट एग्जर्शन, थोड़ा सा एग्जर्शन करने से डिस्निया डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं जनरल क्या मैनेजमेंट क्या क्या है ओबेसिटी का। तो जनरल मैनेजमेंट में जो भी कोज है जिसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप हुई है उसको अपने को रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा डाइट थेरेपी देंगे, मींस वो डाइट अवॉइड करेंगे जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, मींस फैटी फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है उस फूड को अपन अवॉइड करेंगे। और दूसरा, डाइट रेगुलर लेंगे,
फास्टिंग 1 वीक रखेंगे, डाइट चार्ट मेंटेन करेंगे, इसके अलावा फाइब्रस डाइट लेंगे और डेली जो है 1.5 to 1 आवर डेली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। ये सब जनरल मैनेजमेंट में आता है। अब अपन डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो ओबेसिटी को ठीक करने में मदद करती हैं? तो वैसे तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ हैं जो सिम्टोमेटिक दी जाती हैं, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है फाइटेलिकोबेरी, जो जीनस एपिडेमिकस का काम करती है। मीन्स कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्ट कोज का पता नहीं होता, उस कंडीशन में आप फाइटेलिकोबेरी दे सकते हैं, ओबेसिटी को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा फोकस वर्सिकुलर उन लोगों को दी जाती है जिसमें थायराइड इनलार्जमेंट के साथ ओबेसिटी डेवलप होती है। इसके अलावा कैलकेरे कार्ब फेयर फैटी फ्लेवी पर्संस को दी जाती है। चिली पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर सिर पे पसीना आता रहता है, बहुत बच्चे जल्दी बढ़ते हैं, उनको दी जाती है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस क्लाइमेटिक एज की लेडीज़ को दी जाती है जिन्हें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होता है, मेंसेस डिले होते हैं उनको, नॉइस में ज्यादा सुनाई देता है, म्यूजिक से उनको रोना आता है। इसके अलावा थूजा में हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पेशेंट गणेश जी जैसा दिखता है और उसको ये महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर ग्लास का बना हुआ और कभी भी टूट सकता है। इसके अलावा थायरोडिजन उनको दी जाती है जिनको गोइटर की हिस्ट्री होती है, एक्यूट डिजीज के बाद गोइटर डेवलप होता है, उनको दी जाती है। देन पल्सेटिला प्यूबर्टी एज के पर्सन को दी जाती है, जो बीपिंग डिस्पोजिशन होता है, थ्रस्टलेसनेस होते हैं, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स मिलता है। देन कालिकार ओल्ड एज पर्सन को दी जाती है जिसमें डिबिलिटी वीकनेस और प्रोस्टेशन विथ वीकनेस प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कैप्सिकम उनको दी जाए जो इंडोलेंट पेशेंट होते हैं, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, होम सिकनेस होती है, बर्निंग स्मार्टिंग सेंसेशन इन थ्रोट होता है। लास्ट मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूड उनको दी जाती है जिनमें ओबेसिटी के साथ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं, टंग थिक मिल्की वाइट कोटेड होती है और जिनको प्रिकल्स और एसिडिक फूड है उनकी डिजायर होती है। थैंक यू।